गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि अल्कोहल की कितनी मात्रा सेफ है, कितनी मात्रा सुरक्षित है। ये साइंटिफिक चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नाउ अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए कि वो कौन सा ग्रुप है जिसके लिए अल्कोहल एकदम से नो नो है और उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पॉपुलेशन का एक ग्रुप ऐसा है जिसे अल्कोहल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर वन, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो अल्कोहल से इंटरेक्ट करती है तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल थंब रूल है। नंबर दो, अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो अल्कोहल के चलते हो सकती है वो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लिवर डिजीज है तो अल्कोहल इज एब्सोल्युटली नो नो, क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम है, आप अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे तो जो अल्कोहल के चलते लिवर की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे और वर्सन होती चली जाएगी। नाउ आपको अगर जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उनके डिस्टेबिलाईज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा बढ़ जाती है। अगर आपको हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रिदम का डिस्टरबेंस है या इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हार्ट की जो बीट्स हैं वो और इरेगुलर हो जाएं। ऐसे ही अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। अगर आपको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। और आपको कोई भी क्रॉनिक पेन है तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज अल्कोहल का धीरे धीरे डिपेंडेंस या एडिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो क्रॉनिक पेन अगर है तो आपको अल्कोहल से बचना चाहिए। अगर आपकी एज लीगली जो ड्रिंकिंग है उसकी एज से कम है तो आपको अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्लान करते हैं कि आपको ड्राइव करना है या आपको कोई मशीन ऑपरेट करना है तो आपको अल्कोहल टच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और यू आर ट्राइंग टू बिकम प्रेग्नेंट देन अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एशियन ओरिजिन के कुछ लोग हैं, जब अल्कोहल लेते हैं तो उनके चेहरे पर फ्लशिंग होती है, डिजीनेस होती है, अगर ऐसा कभी आपको एक्सपीरियंस होता है तो अल्कोहल एब्सोल्युटली शुड बी अवॉइडेड। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी है जिसमें कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है, पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर एंड खाने की नली का कैंसर, अगर इसका इंसिडेंस आपकी फैमिली में ज्यादा है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये ग्रुप ऐसे हैं जिनमें अगर अल्कोहल का जहां तक सेफ्टी का सवाल है ये बिल्कुल सेफ नहीं है और आपको अल्कोहल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अल्कोहल कितनी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि जो फीमेल्स हैं उनको वन ड्रिंक पर डे इस्तेमाल करना चाहिए, फीमेल्स के लिए वन ड्रिंक पर डे एंड मेल्स के लिए टू ड्रिंक्स पर डे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये एवरेज है? ये वास्तव में एवरेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेल्स के लिए दो ड्रिंक पर डे है तो आपने एक साथ 14 ड्रिंक पी लिए एंड आप मानते हैं कि चलो अब मैंने तो एक दिन में 14 ड्रिंक पिए, मेरा हफ्ते भर का काम पूरा हो गया, ये ऐसा नहीं है। दीज आर एक्चुअली द इंटेंडेड इन द सेंस कि आप दो ड्रिंक पर डे ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि हफ्ते में इकट्ठे एक ही दिन जो है ना हफ्ते भर का पूरा कोटा कर दिया तो वो दैट विल बी पार्ट ऑफ बिंज ड्रिंकिंग, वो परमिटेड नहीं है। तो अगर हम एवरेज अल्कोहल कंजम्पशन को देखें तो वन ड्रिंक पर डे फॉर फीमेल्स एंड टू ड्रिंक्स पर डे फॉर मेल्स। और ये जो अमाउंट हैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एवरेज है, मतलब ये हर दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप इसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते कि आपने तीन दिन की इकट्ठी पी ली या पांच दिन की इकट्ठी पी ली, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। नो, पहले ऐसा माना जाता था एंड पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अल्कोहल वास्तव में आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाती है, अल्कोहल वास्तव में आपको बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाती है, ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट था एंड शायद ऐसी स्टडीज थी। लेकिन आज की तारीख में हम देखें कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज, मोस्ट ऑफ द रिसर्च इस चीज को इंडिकेट करती है कि जहां तक हार्ट का जो प्रोटेक्शन का सवाल है या हार्ट डिजीज से जो प्रोटेक्शन का सवाल है और उसमें जो अल्कोहल का रोल
था वो शायद ओवर एस्टिमेटेड है। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल किसी भी स्टेज पर आपको कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम है या हार्ट की जो प्रॉब्लम है उनसे कोई सुरक्षा नहीं देती, कोई भी सुरक्षा नहीं देती। ये सब ओवर एस्टिमेशन है जिनसे आपको बचना चाहिए। इनफैक्ट रिसेंट स्टडीज ऐसा इंडिकेट करती है कि इवन अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग भी करते हैं तो भी जो रिस्क है ऑफ द स्ट्रोक अब दी कैंसर्स एंड इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर डेथ वो हमेशा बढ़ती है। तो इसलिए आपको अल्कोहल को इस एंगल से जरूर देखना चाहिए। नाउ जो करंट रिसर्च है वो क्या इंडिकेट करती है, अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं देन लेस इज द बेटर, अगर आप पीते हैं तो जितनी आप कम कर दें वो आपके लिए अच्छा है। नाउ ऑल दोस पीपल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है अब दी कैंसर या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, साइंस ऐसा मानती है कि उनको अल्कोहल या तो बंद कर देना चाहिए या वास्तव में मिनिमाइज कर देना चाहिए। और नंबर तीन, वो लोग जो अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करते हैं या कर रहे हैं फॉर एनी रीजन, उन्हें अल्कोहल चालू नहीं करना चाहिए। दीज आर द करंट रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिसर्च। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि कितनी अल्कोहल सेफ है, उसके लिए आपको कुछ थोड़े से इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस देखने चाहिए। इन द सेंस एक स्पेक्ट्रम पे वो लोग हैं जो थोड़ी सी भी अल्कोहल लेते हैं वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है एंड प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑन द अदर स्पेक्ट्रम वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, हैवी ड्रिंकिंग करते हैं या बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, ये क्लियरली रिस्क में खड़े हुए हैं फॉर मेनी थिंग्स, तो इनको हमेशा अवॉइड करने की जरूरत है। एंड बीच के जो लोग हैं कि जो अल्कोहल लेते हैं लेकिन मॉडरेशन में लेते हैं एंड अमाउंट बड़े जो है नाप के लेते हैं, उनको भी रिकमेंडेशंस यही है लेस इज बेटर, जितने आप कम करके रखेंगे वो आपके लिए अच्छा है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अल्कोहल का जहां तक सवाल है, हैवी ड्रिंकिंग या जो ब्रिंज ड्रिंकिंग है वो कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है। नंबर टू, जो मॉडरेट ड्रिंकर्स हैं उनके लिए लेस इज ऑलवेज बेटर। नंबर थ्री, जो रिकमेंडेशंस हैं कि फीमेल्स को वन ड्रिंक अ डे एंड फॉर मेल्स टू ड्रिंक अ डे, लेकिन ये पर डे की रिकमेंडेशन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने पांच दिन नहीं पी और पांच दिन की जो अल्कोहल है वो आपने इकट्ठे एक ही दिन कंज्यूम कर ली, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए वन ड्रिंक फॉर फीमेल्स एंड टू ड्रिंक्स फॉर मेल, ये रिकमेंडेड है सेफ लिमिट। एंड जो मॉडरेशन है इज द की, क्योंकि अल्कोहल के बारे में माना यही जाएगा लेस इज बेटर। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि अल्कोहल से हार्ट की प्रॉब्लम्स में प्रोटेक्शन मिलता है, ये ओवर एस्टिमेटेड है और ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इट सर्टेनली हेल्प्स यू आउट। तो कितनी अल्कोहल सेफ है उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी